जय मसीह के दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेविड ब्रेनार्ड के बारे में। उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारी कठिनाइयों का सामना किया, परिणाम स्वरूप उनकी जीवनी कई ईसाइयों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का स्रोत बन गई। डेविड का जन्म 20 अप्रैल 1718 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। बचपन से ही वह बहुत कमजोर था, इस कारण वह अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं सकता था और हमेशा अकेलापन महसूस करता था। इन मुश्किलों के अलावा उसके 9 साल की उम्र में उसके पिता चल बसे और 14 वर्ष की उम्र में उसकी माता का देहांत हुआ। वह अनाथ हुआ। डेविड की भावना हमेशा याद थी कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह क्रम से कलीसिया जाता और बाइबल पढ़ता था। जब वह 9 साल का था तब वह एक फार्म में गया जहां वह कुछ समय उपवास और प्रार्थना में बिताया, परंतु सिर्फ अपने जीवन के 21 साल के उम्र में उसको यह बोध हुआ कि वह पापी है और उसे रक्षक और उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। 1739 में जुलाई महीने की 12वीं तारीख को उसने यीशु को स्वीकार किया और उस समय उसका जीवन परिवर्तित हुआ। इस मन परिवर्तन के कुछ समय बाद डेविड ने एल कॉलेज में प्रवेश किया। उसने पढ़ने, परमेश्वर के वचन सीखने और प्रार्थना करने में बहुत समय बिताया। कई बार बीमार होने से उसकी पढ़ाई में बाधा पड़ी। वह बहुत बुद्धिमान लड़का था पर बीमारी के कारण वह ज़्यादा पढ़ नहीं सकता था। वह क्षय रोग से पीड़ित हुआ और खून थूकने लगा। तब उसे चिकित्सा और आराम के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कॉलेज के 30वें साल में उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा, यह उसकी बहुत बड़ी निराशा का कारण हुआ। इस समय वह एक पादरी के साथ रहा जहां उसे ऐसे अनगिनत लोगों के बारे में जानने का मौका मिला जिन्होंने कभी यीशु का सुसमाचार नहीं सुना था। उसने विशेषकर अमेरिकी इंडियन जाति के लोगों के बारे में सोचा। उसने उनके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना की जिनके बीच बहुत कम लोग जाते थे। आइए अब हम जानेंगे कि डेविड ब्रेनार्ड मिशन का परावर्तक कैसे बना। डेविड को एक पत्र मिला, उसने बड़ी उत्सुकता से खोला तो वह न्यूयॉर्क के एक अमेरिकी पादरी से था। उसने अमेरिकी इंडियंस लोगों के पास मिशन सहायकों को भेजने को डेविड की मदद मांगी। जैसे उसने पत्र पढ़ा उसका दिल भविष्य की सुंदर प्रतीक्षाओं और खुशियों से भर उठा। उसने अपने कई दोस्तों से बात की। उसने अपना संदेह प्रकट किया कि मैं यह कार्य कैसे कर पाऊंगा, मेरा शरीर कमजोर है। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करने में मुझे सहयोग नहीं देगा, परंतु उन दोस्तों ने उसे प्रोत्साहन दिया यह कहकर कि डेविड, अगर परमेश्वर चाहता है कि तुम जाओ तो वही तुम्हें इसके लिए जरूर शक्ति भी देगा। इस बात से उसके मन में यह दृढ़ निश्चय पैदा हुआ कि वह जरूर जाएगा। आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु अगर हम अपने को परमेश्वर को सौंप देंगे तो वही हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने का साधन बनाएगा। उसे खांसी हो रही थी और खून की थूक आ रही थी, पर इंडियनों को यीशु का ज्ञान देने का उसका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। भजन संहिता 126 का 5वां पद कहता है, जो आंसू बहाकर बीज बोते हैं वे खुशी से फसल काटते हैं। परमेश्वर के सामने उसका रोना और प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं हुआ। उसे उसका फल तब मिला जब परमेश्वर ने इंडियनों को अद्भुत रूप से परिवर्तित किया। जहां वह बोलता और उपदेश देता था वहां लोगों ने बड़ी संख्या में
प्रभु यीशु को स्वीकार किया। इंडियनों के अलावा कुछ गोरे लोगों का भी मन परिवर्तित हुआ। एक स्त्री यह जानने के लिए उसके पास आई कि इंडियनों में कैसे और क्यों परिवर्तन हो रहा है। स्त्री ने कहा, मैंने कईयों को तुम्हारे बारे में बोलते हुए सुना है। मैं प्रत्यक्ष जानना चाहती हूँ कि तुम क्या बोलते हो। डेविड ने जवाब दिया, मैं यीशु के बारे में बोलता हूँ जिसने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपनी जान भी दे दी, इसलिए कि हम अनंत जीवन पाएं। पर वह स्त्री यह कहकर हंसने लगी, कैसी मूर्खता है। तो भी वह उस दिन उस सभा में शामिल हुई। उसे अपने पाप के भार का बोध हुआ तथा उसने मुक्ति देने वाले रक्षक यीशु को स्वीकार किया। कितना अद्भुत परिवर्तन था। सारे जंगलों से लोग डेविड को सुनने आए। उस गोरे उपदेशक के मुंह से जिसके हाथ में परमेश्वर के वचनों का ग्रंथ था, जादूगर, शराबी, हत्यारे जैसे सब तरह के लोगों ने यीशु का संदेश सुना और अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। लोगों में यह नवजागरण परमेश्वर की कृपा की वर्षा का स्पष्ट प्रमाण था। अब डेविड का शारीरिक दुख असहनीय हो उठा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी जान निकल रही थी और परमेश्वर उसे अपने घर बुला रहा था। 1747 के अक्टूबर के 9वीं तारीख को वह 29 साल की उम्र में चल बसा। उसकी जिंदगी बहुत छोटी थी, परंतु इन कम सालों में उसने बहुत कुछ किया। उन इंडियनों से उसे आघात प्यार था जो आत्मिक अंधकार में रहते थे। उसने उन्हें उद्धार का संदेश सुनाने को अपना सब कुछ त्याग दिया। क्या हम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं? क्या उन्हें यीशु का संदेश सुनाने को हम कुछ त्याग करते हैं? डेविड की शारीरिक पीड़ाओं के बावजूद परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। वैसे ही परमेश्वर हम सबों को भी इस्तेमाल करना चाहता है। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।